जटाटवी गलज्ज्वलज प्रवाह पाहित स्थले, या जिसे तुम कहते हो शिव तांडव, हमने जो नाम दिया शिव तांडव, जो रावण रचित शिव तांडव है, इस तरह का नृत्य है। रावण के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मनुष्य के पास, खाली इतनी ही जानकारी है कि राम ने मार डाला उसे। राम ने शरीर नहीं मारा, राम ने अहंकार मारा। इसके बाद क्या घटना घटी कोई नहीं जानता। इसके बाद शिव तांडव पैदा हुआ। जब वो भिक्षा मांगने जाता है, लोग देखते हैं उसे कि कभी राजा था इतना अहंकारी राजा कि उसके आगे अगर कोई कुछ बोले या उसने जो ऑर्डर दिया उसका अगर कोई थोड़ा ऐसा वैसा करे तो उसे जेल की सजा हो सकती थी, मृत्यु दंड हो सकता था, देश पार किया जा सकता था, मृत्यु दंड ही हो सकता था, इतना अहंकारी राजा। लेकिन बहुत शक्तिशाली, सर्व कलाओं में निपुण जो रावण था, उस सर्व कलाओं में निपुण था। उसका संगीत में भी उतना ही काम है और नृत्य में भी उतना ही काम। पूरा तांडव जो प्रकट किया वो रावण ने प्रकट किया, और किस तरह से प्रकट हुआ वो बात मैं तुम्हें कहता हूँ। वो भिक्षा मांगने जाता है, बाद में जो रावण और राम का मिलन हो जाता है, बदल जाता है रावण, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद वो राजा नहीं रहता, छोड़ देता है राजपाट, वो भिक्षा मांग के जीतता है बाकी का जीवन, अंतर्मुख होकर। और वो जा रहा है और उसके अंदर से शिव तांडव पैदा होता है, शिव तांडव प्रकट होता है। ये कोई शिव तांडव ऐसी प्रार्थना नहीं है कि रावण किताब लेकर फिर थोड़ा सोचे कि इस पे, फिर उसने लिखा, फिर छेका डाला, इस तरह की ये कविता नहीं, इस तरह की प्रार्थना उसके अंदर से उठी। शिव तांडव जिसे कहते हैं, उसका चाल के साथ संबंध दुर्गा कवच की जो प्रार्थना है, दुर्गा कवच जिसमें दुर्गा का तांडव बताया जाता है, वो चाल शिव तांडव है। मैं तुम्हें उसका बेस दूंगा, तुम खाली चलो, जब मैं तांडव बोलूं, जो तांडव का रिदम है, तुम खाली चलो। ये जो नृत्य मंदिर में तुम्हें कहता हूं कि इसकी सरफेस को कवर करो, इसका विज्ञान है, ये अर्धचंद्राकार दिया गया है नृत्य मंदिर, इसमें खाली तुम कवर करो सरफेस को, एक छेड़े से दूसरे छेड़े तक जाओ, दूसरे छेड़े जितनी क्षमता, मैं ऐसा नहीं कहता कि जो थक जाते हैं उसे अपनी क्षमता से बाहर जाके काम करो, ऐसा तुम उतरो, चार कदम तुम चल सकते हो, तुम चार कदम चलो, लेकिन चलो, तुम चलो। सहस्त्र लोचन प्रभूर्त शेष लेख शेखर प्रसंधुली धोरणि विदुस्तरात्रि पीठम भुजंगराजमालयानि।